वालेकुम बच्चों आवाज आ रही है ठीक yes, 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 है तो आप मुझे पहले ये बताएं आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड हैं बोथ बो जी और कितने बच्चे हैं जिन्होंने अब तक फर्स्ट uh, डोज ले ली है ठीक है काफी सारे हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज करवा ली है कोई बच्चा नहीं है जो कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड uh, हो विद बोथ डोजेस मैम मैं मैंने दोनों लगवाई हैं ठीक है यानी कि एक स्टूडेंट हो गया पूरी क्लास में से मैम मैंने भी दोनों डोजेस लगवा ली हैं अच्छा ठीक है दो स्टूडेंट्स चलें ठीक है बच्चों अब आप लोगों का को जो है ना हाइब्रिड क्लासेस के लिए भी एटलीस्ट कोई दस पंद्रह स्टूडेंट्स हों तो फिर हम हाइब्रिड क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे कि चलो एटलीस्ट तेन प्लस हो ताकि क्लास में भी अगर मैं लेक्चर लेती हूँ लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आपकी दोनों डोजेज कंप्लीट हों वैक्सीनेशन की प्लस वन वीक एटलीस्ट उसको हो गया हो ताकि आपकी एंटीबॉडीज डिवेलप कर जाए क्योंकि एंटीबॉडीज को डिवेलप करने में टाइम लगता है इवन आफ्टर सेकेंड डोज यू नीड एटलीस्ट वन वीक टू डिवेलप द एंटीबॉडीज और आप लोग जो वैक्सीनेटेड नहीं है जिन्होंने अब तक फर्स्ट डोज भी नहीं ली है बच्चों वैक्सीनेशन करा लें बिकॉज आपके जो फाइनल्स हैं वो तो ऑन कैंपस होंगे और उसके लिए आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा टू सिट इन द एग्जाम ठीक है जितना जल्दी ऑन कैंपस क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि किसी भी टाइम हो सकता है वो कह दें जी हाइब्रिड खत्म है बस सारे बच्चे आ जाएं और फिर सारे बच्चों में से सिर्फ उन्हीं बच्चों को अलाउ किया जाएगा टू सिट इन द क्लास जो कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड होंगे ठीक है तो आप लोग जल्दी अपनी वैक्सीनेशन करा लें जिन बच्चों की फर्स्ट डोज भी रहेगी सेकेंड वालों को तो ऑब्वियसली टाइम uh, मिला होगा आफ्टर ट्वेंटी डेज और ट्वेंटी डेज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैक्सीन Uh, की कि उन्होंने कितनी करवानी है ठीक है तो इसीलिए हम तब तक ऑनलाइन रहते हैं जब तक कि थोड़ी सी स्टूडेंट स्ट्रेंथ नहीं हो जाती उसके बाद हम फिर हाइब्रिड क्लासेस कर लेंगे ठीक है और सेकेंडली ये कि प्रैक्टिकल्स के लिए भी आपको ऑन कैंपस बुलाना है तो प्रैक्टिकल्स के लिए आपको बुलाना है तो उसके लिए भी आपको वैक्सीनेशन की अपनी डोजेस कर लेनी करनी पड़ेगी अदरवाइज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर नहीं आपको अलाउ करेंगे ये किसी बच्चे की कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी रिलेटेड टू द वैक्सीनेशन मैम एक क्वेश्चन है मैम पिफिजर लग रही है वैक्सीन बेटा गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं लग रही गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो रही जो आ, यहां पे आप अगर प्राइवेट करवाना चाहते हैं तो मे बी फाइजर की भी लग रही हो लेकिन गवर्नमेंट में साइनोवैक और साइनोफार्म ये दो वैक्सीनेशन हैं जो गवर्नमेंट लगा रही है ओके मैम जी और किसी बच्चे, बच्चे का कोई क्वेश्चन सब वैक्सीनेशन करवाएंगे ना कुछ मैंने सुना है कि कुछ बच्चे हैं जो बड़े रूमर्स पे बिलीव हैं और वो कह रहे हैं हमारे घर वाले नहीं करवाने दे रहे तो हम बच्चे करें हैं दो साल बाद मर जाएंगे बेटा दैट वाज जस्ट अमैम ये समझ नहीं रहे ह्यूमर वैक्सीनेशन आप लोगों के लिए कंपलसरी है जो अंडर एटीन है वो अपने फैमिली मेंबर्स का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो उन्हें आने दिया जाएगा ठीक है बिकॉज कुछ बच्चे कह रहे हैं जी हमारी तो एज नहीं है हम अंडर एटीन है तो अंडर एटीन के लिए अभी वैक्सीनेशन का कोई प्रोटोकॉल नहीं है उनके लिए नहीं है तो फिर वो वो उनके अपने फैमिली मेंबर्स के अपने पेरेंट्स के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो उन्हें एग्जाम में बैठने दिया जाएगा और आपको अल्टरनेटिवली लगवानी बिकॉज़ एक चीज़ अब ऑफिशियल है, है, है। लीगल आपको तक कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशराइज़ किया जा रहा मैंने तो सुना है कि जिन लोगों ने नहीं लगवाई होंगी तो उनके सिम कार्ड भी ब्लॉक कर देंगे पंजाब में भी वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इम्प्लॉज अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो उनकी पे रोक लेंगे बिकॉज इट्स कंपल्सरी अब कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने करानी है या नहीं करानी है अब गवर्नमेंट आपको इतना फेसिलिटेट करिए बड़े सिटीज में लाहौर में ड्राइव थ्रू वैक्सीन हो गई है कि द कार yes, आप जाएंगे आप वैक्सीनेशन लगवा के सीधा सीधा गाड़ी में बैठे बैठे निकल जाए ठीक है तो इससे ज्यादा फैसिलिटेट आपको कैसे करे गवर्नमेंट ठीक है तो आप मैं

वैक्सीन का मतलब ये है कि आपके अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डिवेलप करवाना ठीक है किसी भी चीज़ की आप बचपन से वैक्सीनेशन होती है बच्चों को तो उसमें क्या होता है उसमें यही होता है कि उस जर्म के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डिवेलप हो जाती हैं फिर अगर आप उस जर्म से इन्फेक्ट होते हो तो उसका इतना सवेर रिएक्शन नहीं होता ठीक है अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आप सवेरिटी ऑफ कोरोना ये जो कोविड का डैमेज है उस पर जाती ही नहीं आपको माइल्ड सा इन्फेक्शन होता है ठीक है और ये कोरोना की थर्ड लेयर वेव जो है या फिर जो अब जो ये म्यूटेंट फॉर्म्स हैं इसकी बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं ठीक है तो उसकी सिवेरिटी कम हो जाती है बाकी एस ओ पीज़ तो आप फॉलो करेंगे चाहे आप वैक्सीनेटेड भी हों तो वो तो आपके चलते ही रहेंगे साथ ठीक है लेकिन ये कि वैक्सीनेशन करा लें बार बार हर फैकल्टी मेंबर अपने बच्चों को यही कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवा लें अदरवाइज एग्ज़ाम्स में अपेयर नहीं होने देंगे ठीक है और आपके फाइनल्स जो हैं वो ऑन कैंपस होंगे चलें ठीक है फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी बेटा कोई क्वेश्चन है मैम मिट्स नो मैम जी बेटा मिट्स ऑन कैंपस होंगे बेटा मिट्स का अभी कंफर्म नहीं है मेड्स क्योंकि बच्चों को जिस तरह का स्टेटस है वैक्सीनेशन का के फिफ्टी सिक्सटी स्टूडेंट्स में से दो तीन बच्चे हैं जो कंप्लीटली वैक्सीनेटेड हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मेड्स तो ऑनलाइन ही होंगे ठीक है लेकिन अभी तक एग्जामिनेशन वालों की तरफ से हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है कि किस तरह लेना है ना डेट की और ना ही टाइप की कि आपने ऑनलाइन लेना है या ऑन कैंपस लेना है लेकिन बिकॉज लाइक like अभी मैंने पूछा है तो सिर्फ दो बच्चे कंप्लीटली वैक्सीनेटेड थे तो मे भी जो है ना मेरे से आपके ऑनलाइन हो लेकिन फाइनल्स वो तो आपके ऑन कैंपस हैं ठीक है तो टाइम है भी आपके पास क्योंकि दोनों डोजेज में बीच में आपके डिफरेंस भी आ जाते हैं ट्वेंटी वन डेज का या ट्वेंटी एट डेज का तो आप लोग अभी करवाएंगे तो फिर आपकी अगली प्रैक्टिकल्स के लिए आप लोगों को बुलाना है इनशाला नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ तक तो सारे स्टूडेंट्स वैक्सीनेशन अपनी करवा लें ठीक है जिन्होंने फिर प्रैक्टिकल के लिए आना है क्लास में मैम प्रैक्टिकल मिट्स के बाद ही होंगे ना हाँ बेटा मिट्स के बाद होंगे हाँ, मैम में जो इलेक्ट्रोथेरेपी में भी हमने पढ़े थे तो वो भी प्रैक्टिकल करवाएंगे बेटा जो 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 हमें वहाँ पे मोडी नजर आएगी जो हम वन में पढ़ चुके हैं प्रैक्टिकल नहीं किए थे yes, तो वो हम सारी को यूज कर लेंगे you, तो उसके, और ये वन मंथ का टाइम भी मैं इसीलिए दे रही हूँ कि बच्चे वैक्सीनेशन पूरी करा लें अदरवाइज फिर यही होगा कि पांच सात बच्चे आए होंगे ठीक है अपने वैक्सीनेशन कार्ड्स के साथ अदरवाइज बाकी स्टूडेंट्स होंगे वो विदाउट प्रैक्टिकल रह जाएंगे वो चलिए ठीक है फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रीवियसली हमने दो लेक्चर्स कवर किए थे अल्ट्रावाट रेडिएशन के ऊपर ठीक है आज हम देखेंगे हमारा टॉपिक है लेज़र लेजर थेरेपी लेजर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ये तो हम फिजिक्स में पहले भी पढ़ चुके हैं कि लेज़र जो है दैट इज द इक्रोनम फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेज ठीक है ये लेजर एल ए एस ई आर दिस इज एन लाइट एकफिकेशन एम्पलीफाई करना होता है कि किसी चीज की इंटेंसिटी को किसी चीज़ की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देना एम्पलीफाई करना ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के हम जो रेडिएशन हैं उनको स्टिमुलेट करवा के इमिट करते हैं ठीक है स्टिमुलेटेड

अगर कोई बॉडी गर्म है जिस तरह आप देखते हैं कि अगर स्टील है लोहा होता है जब उसको बहुत आग में रखते हैं या ग्लास है तो वो रेड कलर में होता है ठीक है वो रेडिएशन इमिट कर रहा होता है फिर उसकी कलर्स क्यों चेंज कर रहे होते हैं ये सारा कुछ जो है ना क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है ही प्रपोज द क्वांटम थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच रेडिएशन आर डिस्क्रीट क्वान्टिटीज और पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो रेडिएशन है, जो है ये छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं ये इमिट हो रहे होते हैं किसी भी हॉट बॉडी से इसी वजह से वो ग्लो कर रही होती है वो कलर रेडिएशन की वजह से आ रहा होता है ठीक है वो एमिट करता है आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाता है तो वो रेडिएशन इमिट करना बंद हो जाती है दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी हंड्रेड देन आइंस्टाइन इन 1970 सेवेंटी आउटलाइन द प्रिपल्स अंडरलाइन द प्रोडक्शन ऑफ लेजर रेडिएशन एज अ पार्ट ऑफ क्वान्टोरी फिर उसने एडिशन कर दी थी लेजर के बारे में बताया था इन 1960 सिक्सटी डॉक्टर थियोडोर टरी ऑफ यूएसए प्रोड्यूस लेजर लेबॉर्ट्री में, uh, में प्रिपेयर किया गया था ठीक है लेटर दर्कर्स बेल्ट टेलीफोन लेबॉट्री प्रोड्यूसर लेजर अब लेजर की भी काफी टाइप होती है कोई क्रिस्टल लेजर होती है क्रिस्टल रूबी लेजर होती है फिर न्यून लेजर है, है तो डिफरेंट टाइप के मटीरियल से प्रोड्यूस की जाती है इसीलिए उनके नेम्स भी डिफरेंट हैं कि कौन से मटरियल से प्रोड्यूस हुई है हमारे पास जो अप्रेटर्स होता है वो इस तरह का होता है जो हम यूज करते हैं कि उसमें कि हमारे पास इमेटर होता है एप्लीकेटर बोलो इसे या इमेटर बोलो इसके अंदर से यहाँ से लेजर इमेट होती है ठीक है और ये उसका पीछे से बॉक्स है उसका सेटअप है जिसमें पूरा प्रॉपर्टीज क्या होती हैं लेजर, है लेजर की अब ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं लेजर की कि मोनोक्रोमैसिटी होती है कोहेरेंस एंड कोलिमेशन नाउ लेट्स सी व्हाट इज मोनोक्रोमेटिसिटी इट मीन्स लेजर लाइट हैज सिंगल कलर मोनो मीन्स वन क्रोम कलर ठीक है तो इट हैज सिंगल कलर दिस इज बिकॉज लेजर हैज सिंगल वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी आपको पता है, जो visible light होती है वो सिंगल कलर की नहीं होती उसमें पूरा जो है स्पेक्ट्रम होता है आपके प्राइमरी कलर्स का ठीक है और वो इसीलिए उसकी वेवलेंथ भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ होती है फ्रीक्वेंसी उसकी डिफरेंट होती है तो वो मोनोक्रोमैट नहीं होती वो लाइट जो लेजर लाइट होती है वो एक सिंगल कलर होता है उसमें और सिंगल उसकी वेवलेंथ है डेफिनेट एक उसकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज मोनोक्रोमैट दिस मेक्स लेजर डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी लाइट एज इट है डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं कोहेरेंस दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ लेजर लेजर लाइट को कहते हैं कोहेरेंस इट सिंक्रोनस बिहेवियर ऑफ लाइट थ है तो उसमें जो ट्राफ है अपर वाला एरिया है और क्रेस्ट जो है वो आपस में एक दूसरे को सिंक करते हैं ठीक है सिंक्रोनस बिहेवियर होता है और यूनिट डायरेक्शनल होते हैं दिस इज दैट इज वाई लेरेंट कोलिमेशन नाउ कोलिमेशन मीन दैट द लेजर बीम इज पैरल These rays do not diverge and energy can be propagated to a longer distance। visible light आप, for example simplest example simplest torch। torch hand hand torch on करते हैं तो उसकी light जो है निकल के diverge हो जाती है जैसे जैसे वो आगे travel करती है वो फैलती जाती है ठीक है इसको कहते हैं divergence। ये डायवर्जेंस होती है लेकिन लेजर जो है आप हम सब ने बचपन में लेजर बल्कि देखी है कि वो जब हम लेजर की छोटे छोटे वो जो एक इंस्ट्रूमेंट uh, से टॉय मिलते होते हैं उसके अंदर कि अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो वो दूर तक जा रही है लेजर लेकिन वो सिंगल उसका डॉट है ठीक है दैट इज कोलिमेशन कि वो सीधा पैरेलल ट्रैवल कर रही है और वो डाइवर्ज नहीं करती इवन इफ इट अ ट्रैवल डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू द ऑर्डिनरी लाइट अब एक टॉर्च को आप ऑन करेंगे तो उसकी लाइट देखें और एक लेजर से आप अगर लाइट किसी चीज पे मार रहे हैं तो फिर देखें वो पॉइंटेड ही रहता है वो एक सीधी लाइन में पैरल ट्रैवल कर रही होती है डाइवर्ज नहीं करती लेजर लाइट these were the three properties of laser. Production of laser. laser. Production Now it is recalled that the electrons of an individual atom remain as a cloud of negative charge around the positive nucleus. ये एक जनरल बात है कि कोई भी एक एटम है किसी भी एलिमेंट का किसी भी चीज का एटम है तो उसमें क्या होता है कि सेंटर में उसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है और उसके अराउंड उसके न्यूक्लियस के अराउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस एक क्लाउड होता है उसके नेगेटिव चार्जेस का ठीक है According to the quantum theory, the electrons can only occupy certain energy levels or shells around the nucleus. Ab, according to the quantum theory, we in chemistry and physics that electrons, are present, in energy levels or shells rotate around the nucleus. Under normal, when the, uh, they, the atom is neutral, under normal circumstances, in the vast majority of atoms, the electrons remain at the lowest energy level, that is, the resting or ground state. जब इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल के अंदर होते हैं तो उनको कहते हैं कि रेस्टिंग या अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है ठीक है जब एक एटम न्यूट्रल है उसके सेंटर में उसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उसके अराउंड उसके शेल्स हैं शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं व्हेन द एटम इज न्यूट्रल तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने अपने शेल में वो अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होते हैं इफ इनफ एनर्जी इज एडेड टू द एटम एंड आउटर इलेक्ट्रॉन में गेन सफिशियंट इनर्जी टू फ्री इट सेल फ्रॉम द न्यूक्स जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो फिर क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन कर लेते हैं और अपने न्यूक्लियस को लीव कर देते हैं अपने शेल को लीव कर देते हैं और शेल से बाहर आ जाता है द एटम देन बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड द इलेक्ट्रॉन बिकम्स अ फ्री नेगेटिव चार्ज और फिर क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है अपने शेल को अपने एटम को तो ऐटम पॉजिटिव चार्ज आइन बन जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फ्री नेगेटिव चार्ज बन जाता है वेन द आउटर इलेक्ट्रॉन आर इन वन ऑफ द हायर एनर्जी to टू रिटर्न टू lower एनर्जी स्टेट समटाइम्स टू द मोस्ट सुटेबल और ग्राउंड स्टेट लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है जब वो आउटर स्टेट आउटर आउटसाइड ऑफ द शेल अपना चला गया हायर एनर्जी स्टेट में चला गया उसकी टेडेंसी ये होती है कि उसने अपनी लोएस्ट रेस्टिंग स्टेट में वापस आना है ठीक है तो वो वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसको एमट करके क्या करेगा वो अपनी ग्राउंड स्टेट स्टेट में में या स्टेबल दोबारा आने की कोशिश करता है द द क्वांटम एनर्जी इज इज इन इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ अब ये जो एनर्जी वो एमिट कर रहा है उस एनर्जी को आप क्वांटम एनर्जी कह देते हैं जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट या रेस्टिंग स्टेट में वापस आता है इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब अपनी नॉर्मल रेस्टिंग और ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है तो जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर करते हो और वो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के इसका ये मतलब है कि जितनी ज्यादा क्वांटम एनर्जी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना सो द ग्रेटर द क्वांटम एनर्जी द लेसर विल बी द वेवलेंथ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम

वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो जो एनर्जी उस टाइम पे रिलीज करते हैं वो जब एक लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो वो एनर्जी एम्पलीफाई होती जाएगी ठीक है यू फोटॉन्स रिलीज होते जाएंगे वन आफ्टर द सेकेंड आफ्टर द थर्ड ठीक है एंड सो ऑन तो ये पूरे फोटॉन्स जो हैं ये आपकी लेजर की प्रोडक्शन में आ, कर रहे होते हैं ठीक है बेसिकली ये फिर आपकी लेजर लाइट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे पास लेजिंग लेजर uh, के जो हमारे पास जो पूरा सेटअप है उसमें हमारे पास तीन चीजें होती हैं एक होता है लेजिंग मीडियम रेजोनेटिंग चैम्बर फिर होती है एनर्जी सोर्स लेजिंग मीडियम क्या होता है द मटेरियल विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लेजर इज नोन एज द लेजिंग मीडियम लेजिंग मीडियम अब वो मटेरियल है जिस जो हमारे पास कैपेबल है टू प्रोड्यूस लेजर अब हर मटेरियल कोई भी गैस है ऑक्सीजन गैस है अब आप उससे लेजर तो नहीं बना सकते ना स्पेसिफिक मटेरियल है फॉर एग्जांपल आपके पास हीलियम नियॉन है ठीक है जब आपके पास हीलियम नियॉन है तो फिर आप लेजर उसे प्रोड्यूस कर सकते हो दैट इज द लेजिंग मीडियम इट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंड देन गिवज ऑफ इज एक्सेस एनर्जी एज द फोटो ऑफ लाइट पहले ये लेजिंग मीडियम एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं फिर बाद में वो इलेक्ट्रॉन्स वापस जब अपनी नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में आते हैं तो वो एक्सेस एनर्जी रिलीज करते हैं कैसे रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट दीज फोटॉन्स ऑफ लाइट आर बेसिकली द लेजर विच वी आर प्रोड्यूसिंग अब ये लेजिंग मीडियम का जो मटीरियल है इट कैन बी सॉलिड क्रिस्टल सेमी कंडक्टर लिक्विड और गैस द लीजिंग मीडियम ऑफ लो इंटेंसिटी कैन बी आईम न्यू ऑन और सेमी कंडक्टर गेलियम आर्सिनाइड ये उन्होंने बता दिए की आपके पास ही मटीरियल हो सकता है विच इज गैस या फिर सेमी कंडक्टर हो सकता है दैट इज गेलियम आर्सिनाइड का जो मटीरियल है लेजिंग मीडियम वो जिस चैम्बर के अंदर होता है उस चैम्बर को आप कहते हो रेजुनेटिंग चैम्बर ठीक है अब इसके दोनों साइड पे ठीक है सराउंडेड बाय टू पैरल मिलर एट द एंड एंड पे दोनों दोनों एंड्स पे यहाँ पे मिरर्स प्लेस्ड होते हैं मिरर्स प्लेस कर दो या फिर अगर वो ग्लास है तो ग्लास की उसकी सिल्वर कोटिंग कर देते हैं ताकि वो मिरर की अपेयरेंस आए वन ऑफ द मिरर हैज हंड्रेड परसेंट रिफ्लेक्टेंस एंड द अदर हैज स्लाइटली लेस रिफ्लेक्टेंस एक मिरर कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करता है दूसरा मिरर जो होता है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग पावर होती है वो थोड़ी सी लेस रखी जाती है दिस सर्व एज एन आउटपुट डिवाइस विच अलाउज सम ऑफ द फोटॉन्स टू स्केप थ्रू इट अब उससे क्या होता है कि जब वो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिंग पावर एक की फुल है और एक की स्लाइटली लेस है तो थोड़े से फोटॉन्स जो होते हैं वो अलाउ हो जाते हैं कि वो डिवाइस से उस चैम्बर से आउटपुट डिवाइस तक ट्रेवल कर सकें जा सकें एनर्जी सोर्स अब तीसरी चीज क्या चाहिए हमें एनर्जी सोर्स एक लेजिंग मीडियम चाहिए एक रेजोनेटिंग चैम्बर चाहिए थर्ड वॉज द एनर्जी सोर्स अब एक फ्लैश गन इज यूज टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लेजिंग मीडियम इट इज यूजली करंट इलेक्ट्रिसिटी के अब जो लेजिंग मीडियम है मटेरियल है वो रेजोनेटिंग चैम्बर के अंदर प्लेस्ड है ठीक है अपने चैम्बर में तो उसको एनर्जी भी तो चाहिए ना कि हम जो कह रहे हैं कि हमने उसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को पहले एक्साइट कराना है तो एक्साइट कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो किससे आती है करंट से ठीक है करंट इलेक्ट्रिसिटी हम यूज की करते हैं फ्लैश गन होती है बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती है लेजिंग मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स को यूं आपके फोटो ऑफ एनर्जी रिलीज होता है फोटोस ऑफ लाइट जब वो वापस अपनी रेस्टिंग स्टेट में आते हैं और ये एनर्जी सोर्स करंट होता है अब देख लेते हैं हमने प्रोडक्शन देख ली कि प्रोडक्शन इस तरह होती है तीन हमारे पास बेसिकली इसके कंपोनेंट्स होते हैं लेजिंग मीडियम होता है रेजोनेटिंग चैम्बर और एनर्जी सोर्स टाइप्स ऑफ लेजर में हमारे पास रूबी लेजर होती है जो क्रिस्टल लेजर है बेसिकली क्रिस्टल मटीरियल से के मटीरियल से हम प्रोड्यूस करते हैं हीलियम हीन है ये गैस लेजर है डायोड लेजर है, है जो सेमी कंडक्टर इसका लेजिंग मीडियम जो है वो सेमी कंडक्टर होता है रूबी लेजर इट इज ऑल्सो नोन एज द क्रिस्टल लेजर इट कंटेन सिंथेटिक रूबी एज द लेजिंग मीडियम इसमें अब सिंथेटिक रूबी अः नेचुरल रूबी नहीं सिंथेटिक मीन्स जो कि लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है रूबी का क्रिस्टल ठीक है वो यूज करते हैं एज द लेजिंग मीडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम इज यूज एज द सिंथेटिक मटीरियल एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम को यूज किया जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद ट्रेस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड फॉर्म्स अ टेन सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन सेंटीमीटर वाइड रॉड ठीक है अब टेन सेंटीमीटर लॉन्ग और वन सेंटीमीटर वाइड एक रॉड होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का और उसके अंदर कुछ ट्रेसेज होते हैं क्रोमियम ऑक्साइड की ये मटीरियल जो है हम यूज कर रहे हैं इन द रूबी लेजर टू प्रोड्यूस लेजर रूबी लेजर यानी कि आपका ये मटेरियल कौन सा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड ट्रेस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड और क्या अब उसकी लेंथ कितनी लेनी है हमने रॉड की सेंटीमीटर लॉन्ग है और वन सेंटीमीटर वाइड है जीनॉन ट्यूब इज बाउंड अराउंड ट्यूब जो उसके हम रॉड uh, जो है हमारा लेजिंग मीडियम का मटीरियल जो है दैट इज द रॉड हमने ले लिया टेन सेंटीमीटर लंबा अब उसके अराउंड जो ट्यूब है जीनॉन ट्यूब वो उसका रेजोनेटिंग चैम्बर है उनको रिफ्लेक्ट करवाने के लिए मिरर के परपज के लिए हम उसकी सिल्वरिंग रूबी मॉलिक्यूल ठीक है इंटेंस फ्लैश प्रोड्यूस होता है के फिर रूबी के मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइट हो जाते हैं एंड रेजेज द इलेक्ट्रॉन्स टू हाई एनर्जी लेवल और एक्साइट हो गए रूबी के इलेक्ट्रॉन्स फिर इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं एक्साइट होने का मतलब यही है कि एनर्जी लेवल में जा रहे हैं द एक्साइटेड एनर्जी स्टेट स्टेट बिकम्स अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन टू देयर ग्राउंड रिलीजिंग अ फोटोन ठीक है स्पॉन्टेनियस इमेशन भी इसको हम कहते हैं क्यों स्पॉन्टेनियस इमेशन कहते हैं कि, कि इसमें हमने कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं किया ठीक है इलेक्ट्रॉन्स जब वो हाई एनर्जी में होते हैं तो ऑब्वियसली वो अनस्टेबल स्टेट है उन्होंने अपनी स्टेबल रेस्टिंग स्टेट में वापस आना ही आना है और वो खुद से आते हैं तो so, कौन सी लेजर बीम यहाँ पे एमिट हो रही है रेड लेजर बीम यहाँ एमिट हो रही है और उसकी वेवलेंथ क्या है हमारे पास सिक्स थ्री नैनोमीटर ये उन्होंने दिखा दिया है ये हमारे पास जो मटेरियल है ठीक है ये टेन सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल दिस इज टेन सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन सेंटीमीटर वाइड लेजिंग मीडियम लेजिंग मीडियम किस चीज का है रूबी क्रिस्टल का रूबी क्रिस्टल क्या है आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड ट्रेसेस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड ठीक है और ये आपके पास बाहर जो है ये आपका चैम्बर है ठीक है ये हमारे पास हमारा रेजोनेटिंग चैम्बर है ठीक है इसके अंदर हमारे पास ये स्विच है पावर सप्लाई है यहां से पावर सप्लाई है फ्लैश गन है जिस भी कोई भी हमारे पास हाई इंटेंसिटी का फ्लैश लैंप है जिसकी वजह से इसके मटेरियल ये जो हमारे पास जो मटेरियल है लेजिंग मीडियम का इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे ठीक है एक्साइट होने के बाद वो अनस्टेबल स्टेट में हायर एनर्जी स्टेट में चले गए तो जब वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं वापस अपनी नॉर्मल न्यूट्रल स्टेट में आते हैं तो ये जो उन्होंने एमिट की है फोटॉन्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिस इज द लेजर बीम ठीक है

एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स शेल uh, को लीव कर जाएंगे हाईर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे जो अनस्टेबल है बाद में जब वो स्पॉन्टेनियसली वापस अपनी रेस्टिंग स्टेट में या अपनी लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे तो वो फोटॉन्स ऑफ लाइट को अमेट करेंगे जो हमारे पास किस वेवलेंथ के होंगे सिक्स थर्टी टू पॉइंट एट नाइनोमीटर के और ये हमारे पास लेजर होगी दीज फोटॉन्स रिफ्लेक्ट टू एंड एजल्ट कोलिजन अकर्स विद एटम्स ऑफ हाई एनर्जी लेवल्स ठीक है ये फोटॉन्स जब आगे पीछे जो है टू एंड फ्रो मूव करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं कोलिजन होता है एटम्स ऑफ हाई एनर्जी लेवल्स के साथ इट लीड्स टू स्टिमुलेटेड रिलीज ऑफ रेड बीम तो फर्दर आपके जो है इलेक्ट्रॉन uh, जो हैं वो फर्दर अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में जाते जाते जाएंगे जाते जाएंगे और फिर वहां से फर्दर रिलीज होती रहेगी मजीद आपकी लेजर लाइट रेड बीम ठीक है इस तरह का इसका ये हम कह सकते हैं कि इसका चैम्बर है ठीक है इसके अंदर गैस है तो इसके अंदर हमारे पास कोई मटेरियल uh, या कोई रॉड नहीं है जिस तरह पहले हमारे पास रॉड था रूबी का यहाँ पे बस गैस है ठीक है और यहाँ uh, यहाँ से हमारे पास एमिटर जो है यहाँ से आउटपुट आ रही है हमारे पास लेजर की देन देर इज वन एन दटीरियल लेजिंग मीडियम जो हमारे पास होता है डायोड या सेमी कंडक्टर जिसे हम कहते हैं गेलियम आर्सिनाइट ठीक है दिस इज़ इज़ यूज़ टू प्रोड्यूस लेज़र एन एक्सटर्नल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करंट हम करें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या फ्रीक्वेंसी आपने सबकी वेवलेंथ याद रखनी है कि आपके पास रूबी क्रिस्टल की क्या वेवलेंथ आ रही थी आपके पास जो हीलियम नियन लेजर की क्या वेवलेंथ होती है और आपके पास डायोड लेजर की क्या वेवलेंथ होती है ठीक है इस तरह ये सारा कुछ इस टैंपर के अंदर हो रहा होता है ठीक है और यहां से हमारे पास लेजर एमेटोरियो होती है एमेटर से टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन क्या है अब आपके पास द मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लेजर थेरेपी इज क्वाइट सिंपल जनरली द लेज़र एनर्जी इज़ एमिटेड बाय हेल्ड फॉर पर्पज़ेस सिंपल है आपने मशीन को कुछ भी नहीं आपने कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना आपने कोई ही ऑन गैस नहीं उसके अंदर डालनी है, आपने कोई लेजिंग मीडियम नहीं डालना आपके पास एक मशीन है आपने उसका सेटअप ऑन कर देना है एक उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर देनी है बल्कि वो मोस्ट ऑफ द मशीन में ऑटोमेटिकली सेट होती है और आपने वो उसका जो एमिटर है वो आप देखें हैंड हेल्ड है यानी कि हाथ में उसका एमिटर पकड़ के जिस एरिया को आपने ट्रीट करना है आपने वहां पे उस लेजर लाइट से उसे ट्रीट कर देना है जो भी आपका रिक्वायर्ड एरिया है द गेलियम आर्सिनाइड लेजर कंटेन द सेमी कंडक्टर और डायओडर लाइटेट एरिया फाइब्रो ऑप्टिक ट्यूब अब ये बता रहे हैं कि जो गेलियम आर्सिनाइड लेजर होती है सेमी कंडक्टर डायओ लेजर जो है एप्लीकेटर की टिप पे उसका एलिमेंट uh, होता है डायओ एलिमेंट ठीक है और जो हीजर है बिकॉज वो एक गैस होती है तो वो इन साइड द कंटेनर होती है यूनिट के अंदर होती है ठीक है? और laser light जो है वो travel करती है वो करती अब techniques of application में हमारे पास दो हैं, एक स्कैनिंग मेथड है, और एक scanning method है. Grid method में क्या होता है ट्रीटमेंट एरिया इज डिवाइडेड इनटू ग्रिड ईच ऑफ वन स्क्वायर सेंटीमीटर द हैंड हेल्ड एप्लीकेटर शुड बी इन लाइट कॉन्टेक्ट विद द स्किन एंड एरिया एक तो आपने एप्लीकेटर को 90 के एंगल पे रख के ट्रीट करना होता है बिल्कुल ऐसे सीधा ठीक है परपेंडिकुलर टू राइट एरिया और सेकंड थिंग ये होती है कि हम स्किन से या तो बहुत लाइट सा कांटेक्ट होता है कि स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं ठीक है उन बालों से कॉन्टैक्ट हो स्किन के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं करवाते या तो वेरी वेरी स्लाइट सा कॉन्टेक्ट है या फिर थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं आ, स्किन को टच नहीं करवाते लेजर को डायरेक्टली एप्लीकेटर को ठीक है स्कैनिंग मेथड में क्या होता है देर इज नो कॉन्टेक्ट बिटवीन द स्किन एंड लेजर इसमें कोई भी बिल्कुल कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा स्किन और लेजर का ठीक है द टिप ऑफ एप्लीकेटर इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ फाइव टू टेन मिलीमीटर उसमें एक स्लाइट सा हमने कॉन्टैक्ट कर दिया इतना लाइट कॉन्टेक्ट फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ जो एप्लीकेटर है वो लाइटली uh, बिल्कुल स्किन के ऊपर ऑलमोस्ट हेयर जो होते हैं उन उनपे टच कर रहा होता है मेथड में और स्कैनिंग मेथड में आपने बिल्कुल स्किन और लेजर के एप्लीकेटर को टच नहीं करना उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है और ये डिस्टेंस बहुत मिनिमम है फाइव टू टेन मिलीमीटर बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस होता है ठीक है ये उन्होंने दिखा दिया कि इस तरह का आपके पास स्कैनिंग इलेक्ट्रोड होता है interaction of laser with body tissues now low intensity lasers are used therapeutically for their non thermal effects low intensity lasers use karte hain non thermal effects ki wajah se ki ye heat produce nahi karte visible radiations are absorbed in hemoglobin infrared radiations are absorbed in water jo visible radiations hoti hain अगर साथ साथ कोई emit हो रही हैं तो वो आपके blood में hemoglobin में absorb हो जाती हैं और infrared radiations जो होती हैं वो आपके जो बॉडी के अंदर वाटर होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं इसके जो यूजेस हैं थेराप्यूटिक यूजेस हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इनशाला कवर करेंगे कि लेज़र के हम कौन कौन सी कंडीशंस में लेज़र थेरेपी पेशेंट्स पे अप्लाई करते हैं सिंपल बहुत सिंपल एप्लीकेशन होती है कोई इसमें जो है ना आपने कोई टेस्ट डोज या कुछ भी इस तरह की कैलकुलेशन नहीं है जिस तरह की अल्ट्रा रेडिएशन में थी ठीक है सिंपली आपका सेटअप होता है एक एमिटर होता है उससे आपने पेशेंट को ट्रीट करना होता है ठीक okay. है आज हमने इंट्रोडक्शन देखा है लेजर थेरेपी का उसका हमने प्रॉपर्टीज देखी हैं कि वो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी प्रोडक्शन कैसे करते हैं उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं ये सारा आज का हमारा लेजर का लेक्चर था नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेजर की थेरेप्यूटिक पर्पसेस पढ़ेंगे थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स देखेंगे कौन सी कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं मैम जी मैम ये जो लेजर आपने ग्रिड बताया और स्कैनिंग वाला बताया है, तो मैम जो लेजर फेशियल के ऊपर होता है वो मैम कौन सा वाला होता है वो, वो तो बिल्कुल टच कर रहा होता है जो एमिटर होता है फेस को बेटा वो तो डरमाटोलोजिस्ट यूज करते हैं ना ये वाला जो लेजर हम पढ़े हम वो वाला लेजर नहीं पढ़े जो डर डरजी डिपार्टमेंट में यूज होता है ये लेजर का वो सेटअप है जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में यूज होता है ठीक है लेकिन वो बेसिकली अगर वो स्किन पर वो टच कर रहे होते हैं वैसे मैंने अभी कभी करवाया नहीं है ना ही मैंने uh, देखा है किसी का लेजर होते हुए डायरेक्टली लेकिन अगर वो टच कर रहा होता है तो ऑब्वियसली वो ग्रिड ग्रिड मेथड होगा क्योंकि उसमें स्लाइट टच करता है लेजर का एप्लीकेटर जो है वो स्किन को और जो स्कैनिंग मेथड है ना उसमें थोड़ा सा फासला होता है तो फाइव टू तो टेन मिलीमीटर का okay, ठीक है लेकिन वेरी करते है लेकिन ये करता ना हर डिपार्टमेंट में कि कौन सा लेजर यूज यूजे लेजर की क्योंकि वेवलेंथ वेरी करेगी ना बेटा आपने यहीं पे देख लें कि हमने तीन टाइप्स के हमने देखे हैं ठीक है एक सेमी कंडक्टेड देख लिया हीलियम ही देख लिया रूबी क्रिस्टल देख लिया ठीक है तीन लेजर्स हमने देखे हैं जो लेजर्स अब डर्माटोलोजी में यूज हो रहे हैं दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लेजर यूज इन फिजियोथेरेपी ठीक है उसके बेसिक प्रॉपर्टीज लेजर की वही होगी कोलिमेशन okay, ठीक है एंड इट्स मोनोक्रोमेसिटी बट अगेन उसकी होगी डिफरेंट इफेक्ट लेना है पेन रिलीफ का इफेक्ट लेना है अगर तो स्किन के डॉक्टर ने डर्माटोलॉजिस्ट ने उससे बर्निंग इफेक्ट लेना है या हेयर फॉलिकल्स को बर्न करने का इफेक्ट लेना है तो वो डिफरेंट हो जाता है ठीक okay, है जी और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन जी no, सब वैक्सीनेशन करवा लेंगे आप होपफुली यस मैम जी बच्चों जल्दी से अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करें ताकि ऑन कैंपस क्लासेस स्टार्ट हो सके हंड्रेड परसेंट ठीक है ये हाइब्रिड वाला जो होगा ना दैट दिस विल बी वेरी वेरी डिसरप्टिंग फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिर जो क्लास में होंगे उन्हें तो सब समझ आ जाएगी लेकिन जो ऑनलाइन होते हैं फिर उनपे से फोकस हट जाता है टीचर का ठीक है तो इसीलिए मैं अभी uh, एक दो बच्चों को नहीं बुला रही हूँ कि एटलीस्ट थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाए तो फिर हम ऑन कैंपस क्लासेज और बल्कि क्लास तो हमारी एंड हो जाएगी हमारे तीन लेक्चर रह गए सिर्फ हमारी प्रैक्टिकल्स के लिए फिर मैं आप लोगों को बुलाऊंगी ठीक है Tell him about your girl. love his <laughs> love ma'am. I love his ma'am.